नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्लोबल इंडेक्सेस देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वीक है ड्यू टू ग्लोबल टेंशंस। रशिया ने कुछ सैंक्शंस लगाए यूक्रेन के ऊपर, तो जिसके कारण एक गैप डाउन ओपन हो सकता है 16,200 के लेवल्स में। 16,400 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई थी, 200 पॉइंट का नीचे गैप डाउन दिख रहा है। दोस्तों, ऐसे गैप डाउन में आपको कोई भी बाइंग नहीं करनी चाहिए ना सेलिंग करनी चाहिए, बाउंस बैक भी आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से एक लेवल सबको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, अभी नेक्स्ट सपोर्ट जोन्स जो भी है वो अप्रॉक्सीमेटली 16,070 के लेवल्स में प्लेस्ड है। 16,070, अगर 16,770 को ब्रेक करता है तो और लो पे आ सकता है। जो रशिया यूक्रेन की जनवरी में जो लो आया था, जनवरी फरवरी में, वो लो तक गिर सकता है। अगर बाउंस बैक आएगा तो अगेन यहाँ से उठ सकता है मार्केट। तो 16,070 जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए ना लॉन्ग करना चाहिए, वेट कीजिए। जो ये लेवल्स है 16,070, अगर ये लेवल सस्टेन करता है देन बाइंग कर सकते हो, अगर ये नहीं सस्टेन करता है देन शॉर्ट करना। पर ये लेवल के ऊपर आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड जोन है इसके ऊपर, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में मार्केट चल रहा है। गैप डाउन होकर मार्केट पूरा दिन वही लेवल्स पे फ्लैट ट्रेड करता है, गैप अप में भी सेम हो रहा है। सो निफ्टी को आप अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग। जो भी स्टॉक स्पेसिफिक है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ सेक्टर्स है जो अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे बेसिस में। तब स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स बेसिस में आप नो ट्रेड जोन में नहीं ट्रेड करेंगे तो ये अच्छी बात है। अभी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन में ओपन हो सकता है -500 और -600 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन्स भी अगर देखेंगे तो तकरीबन ये लेवल पे जो 33,869 यानी कि 800 पॉइंट नीचे, तो ये लेवल्स के ऊपर या नीचे ट्रेड करने पर ही हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। 33,869 इसे ब्रेक करके सस्टेन करें तो और वीकनेस आ सकता है। अगर ये सस्टेन करता है तो ये लेवल्स के ऊपर फिर से बाइंग आएगा 34,500 से लेकर 35,000 तक। तो बहुत ही क्लियर व्यू है। अभी नो ट्रेड जोन में आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, और इस इंडेक्स में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है। जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो रिस्क लेना चाहते हैं तो गैप डाउन के बाद भी एक शॉर्ट कर सकते हो, ये लेवल्स तक आ सकता है मार्केट। ओनली फॉर रिस्क टेकर्स, वो भी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।